हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री करियर एनालाइज का एक और वीडियो लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज हम करियर एनालाइज करने जा रहे हैं बॉलीवुड स्टार अरमान कोहली का। अरमान कोहली 23 मार्च 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में पैदा हुए हैं और वो बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजकुमार कोहली और एक्ट्रेस निशी के बेटे हैं। अरमान कोहली ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। 1982 में रिलीज होने वाली मूवी बदले की आग और 1984 में रिलीज होने वाली मूवी राज तिलक, इन दोनों मूवीज में अरमान कोहली ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। 1992 में रिलीज होने वाली मूवी विरोधी, ये एज अ हीरो अरमान कोहली की डेब्यू मूवी थी। और 2015 में रिलीज होने वाली सलमान खान स्टारर मूवी प्रेम रतन धन पायो, ये एज अ एक्टर अरमान कोहली की अब तक की आखिरी मूवी साबित हुई है। अरमान कोहली ने अपने फादर की डायरेक्शन में काफ़ी मूवीज में काम किया है और उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 से 3 दफ़ा रीलॉन्च करने की भी कोशिश की गई। काफ़ी पैसा खर्च किया गया लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अरमान कोहली अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की 15 मूवीज़ की कास्ट क्रेडिट लिस्ट में अरमान कोहली का नाम शामिल किया गया है। शाहरुख खान स्टारर मूवी दीवाना सबसे पहले अरमान कोहली को दी गई थी और इस फिल्म का एक स्पेल उन्होंने शूट कर दिया था, फिर बाद में उन्होंने इस फिल्म को छोड़ा और ये करेक्टर ट्रांसफर हुआ शाहरुख खान की तरफ। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और यूं शाहरुख खान को जगह मिली बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और इसके अलावा शाहरुख खान स्टारर मूवी बाजीगर, इस करेक्टर के लिए भी सबसे पहले कंसिडर किया गया था अरमान कोहली को, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और ये किरदार भी घूम फिर के चला गया शाहरुख खान की तरफ। और शाहरुख खान की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और शाहरुख खान की जगह स्टेब्लिश हो गई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और इसी के साथ साथ शाहरुख खान स्टारर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म में काजोल के मंगेतर का करेक्टर भी अरमान कोहली को ऑफर किया गया था, लेकिन ये किरदार भी उन्होंने करने से मना किया और ये किरदार घूम फिर के चला गया परमीत सेट्टी के पास और उन्होंने ये किरदार निभाया और जिसमें उन्हें खासा पसंद भी किया गया था। तो यूं देखा जाए तो शुरुआती दौर में अरमान कोहली के बहुत से गलत फैसले उनको आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से आउट कर चुके हैं। अगर अरमान कोहली की करियर बेस्ट मूवीज की बात करें तो यहाँ पर तो मुझे उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं याद कि जो उनके करेक्टर्स या उनकी अदाकारी की वजह से काबिले जिक्र रही हो और या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से सक्सेसफुल रही हो, ऐसी कोई फिल्म नहीं है। तो इवर आज की इस वीडियो में हम अरमान कोहली की 15 मूवीज की तमाम डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस पर मूवीज का रिजल्ट क्या रहा, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हमारे आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। 27 मई 1982 को रिलीज होने वाली मूवी बदले की आग, ये एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अरमान कोहली की डेब्यू मूवी थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था उनके फादर राजकुमार कोहली ने। फिल्म की लीड कास्ट में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जेतेंद्र, रीना रॉय शामिल थे और इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया और एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी। अगस्त 1984 को रिलीज होने वाली मूवी राज तिलक, इस फिल्म को भी अरमान कोहली के फादर राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शामिल थे और इस फिल्म में अरमान कोहली ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और कलेक्शन के हिसाब से राज तिलक एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी। 3 अप्रैल 1992 को रिलीज होने वाली मूवी विरोधी, इस फिल्म को भी अरमान कोहली के फादर राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था और ये एज अ हीरो अरमान कोहली की डेब्यू मूवी थी। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, अरमान कोहली, अनीता राज और पूनम ढिल्लों शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से अरमान कोहली की एज अ हीरो डेब्यू मूवी एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई। अक्टूबर 1992 को रिलीज होने वाली मूवी दुश्मन जमाना, फिल्म को डायरेक्ट किया था जगदीश शर्मा ने। फिल्म की लीड कास्ट में अरमान कोहली, दिव्या भारती, परेश रावल शामिल थे और इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 85 लाख। इंडिया में कलेक्शन हुए जस्ट 78 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 1 करोड़ 80 लाख और कलेक्शन के हिसाब से दुश्मन जमाना एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई थी। नवंबर 1993 को रिलीज होने वाली मूवी अनम, फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश मोदी ने। फिल्म की लीड कास्ट में अरमान कोहली और आयशा झुलका शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप करा दी गई थी। 1993 की फिल्म कोयल, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे गौतम और फिल्म की लीड कास्ट में अरमान कोहली, कोयल और सईद जाफरी शामिल थे और इस फिल्म का एक सॉन्ग भी YouTube पर अवेलेबल है, लेकिन ये एक अनरिलीज मूवी है, किसी वजह से इस फिल्म की शूटिंग रुकी जो आज तक कंप्लीट ना हो सकी।
1993 की फिल्म कोहरा, फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रातु घोष ने। फिल्म की लीड कास्ट में अरमान कोहली, आयशा झोलका शामिल थे। फिल्म का बजट था 90 लेक्स, इंडिया में कलेक्शन हुए 45 लेक्स और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 92 लेक्स और कलेक्शन के हिसाब से कोहरा एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। दिसंबर 1993 को रिलीज हुई फिल्म औलाद के दुश्मन, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अरमान कोहली के फादर राजकुमार कोहली। फिल्म की लीड कास्ट में आयशा झुलका और अरमान कोहली शामिल थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 2 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 4 करोड़। ये सेकेंड रीलॉन्च था अरमान कोहली का, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहे और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करा दी गई थी। जुलाई 1994 को रिलीज हुई फिल्म जुआरी, फिल्म को डायरेक्ट किया था जगदीश शर्मा ने। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अरमान कोहली और शिल्पा शिरोडकर शामिल थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 25 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 1 करोड़ 74 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 3 करोड़ 19 लाख और कलेक्शन के हिसाब से जुआरी भी एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई थी। सितंबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म वीर, फिल्म को डायरेक्ट किया था कांति शाह ने। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, गौतमी, जया प्रदा, अरमान कोहली शामिल थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 1 करोड़ 69 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 91 लाख और कलेक्शन के हिसाब से वीर भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। दिसंबर 1997 को अरमान कोहली को उसके पापा ने तीसरी बार रीलॉन्च करने की कोशिश की। फिल्म बनाई कहर और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था अरमान कोहली के पापा राजकुमार कोहली ने। फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अरमान कोहली, सोनाली बेंद्रे और दीप्ति भटनागर शामिल थे और इस फिल्म का बजट था 4 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 6 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 11 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से कहर एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी। जून 2002 को रिलीज होने वाली मूवी दुश्मनी, फिल्म को डायरेक्ट किया था इमरान खालिद ने। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, फैसल खान, पूजा गांधी, अरमान कोहली और पुरु राजकुमार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से दुश्मनी भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। 16 अगस्त 2002 को रिलीज होने वाली मूवी जानी दुश्मन, इस फिल्म में एक बार फिर अरमान कोहली को रीलॉन्च करने की कोशिश की बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिल्म को डायरेक्ट किया था उनके फादर राजकुमार कोहली ने और इस बार एक मल्टी स्टारर मूवी बनाने की कोशिश की थी। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, राज बब्बर, सनी देओल, आदित्य पंचोली, सुनील शेट्टी, मनीषा कोइराला शामिल थे और इसके अलावा मेन कैरेक्टर में अरमान कोहली नजर आ रहे थे। फिल्म का बजट था 18 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 11 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 19 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से जानी दुश्मनी फ्लॉप फिल्म करा दी गई थी। दिसंबर 2003 को रिलीज होने वाली मूवी एलओसी कारगिल, फिल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, करण नाथ, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान और अरमान कोहली शामिल थे और इस फिल्म में अरमान कोहली ने मेजर विकास वोरा का कैरेक्टर निभाया था। एलओसी कारगिल का बजट था 33 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 18 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 32 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप करा दी गई थी। नवंबर 2015 को रिलीज होने वाली मूवी प्रेम रतन धन पायो, फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज आर भरजातिया ने। फिल्म की लीड कास्ट में सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश और अरमान कोहली शामिल थे। फिल्म का बजट था 180 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 210 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 388 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से प्रेम रतन धन पायो एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई थी और यही अब तक एज अ एक्टर अरमान कोहली की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने अरमान कोहली का कंप्लीट करियर एनालाइज किया। अरमान कोहली की रिलीज होने वाली इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज है कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखना न भूलिएगा। और मेरा आप से सवाल है कि क्या वजह बनी कि अरमान कोहली बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे, कमेंट सेक्शन में सिलसिले में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है हमारा ये आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिएगा। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।